सरकार में उज्जैन के घटिया विधानसभा को लाखों के विकास कार्यों की सौगात मिली है। इसी क्रम में बीते दिन विधायक रामलाल मालवीय ने विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया, जिसमें ग्राम रनाहेड़ा को 50 लाख की सौगात दी। घटिया विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत शंकरपुर के ग्राम रनाहेड़ा में क्षेत्रीय विधायक रामलाल मालवीय ने विधायक निधि से 38 लाख के सीसी रोड, सहनाली निर्माण, प्राथमिक शाला भवन, पुलिया निर्माण, किचन सैक का भूमि पूजन किया। विधायक ने बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 36 गौशाला का काम चल रहा है, जिसमें से 6 गौशाला बनकर तैयार है, जिसके लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ के हाथों से लोकार्पण कराने की तैयारी चल रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रमेश कनावा एवं विशेष अतिथि केशर सिंह पटेल, विजय सिंह गौतम, वीर सिंह राणा, कैलाश बाबू थे। प्रारंभ में ग्राम पंचायत शंकरपुर के सरपंच प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह पटेल, जनपद प्रतिनिधि किशन चंदेल ने अतिथियों का पुष्प माला से स्वागत किया। कमलनाथ जी ने चुनाव के पहले ये घोषणा की थी कि हम लोग प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौशाला बनाएंगे। आज मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि हमारी घटिया विधानसभा में 26 गौशालाओं का काम अभी चल रहा है और 6 गौशालाएं हमारी बनकर तैयार हो गई। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का रास्ता देख रहे हैं कि कब वो आए और हम लोग उनसे उद्घाटन कराए। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित कालू बाबा, असगर मामा, हरलाल मालवीय, संदीप आंजना, भवर सिंह सोलंकी सहित ग्रामीण जन उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन किशोर सिंह हीरावत एवं आभार व्यक्त अंतिम कुमार जोशी ने माना। ग्राम रनाहेड़ा में माध्यमिक विद्यालय भवन, किचन सेट या रोड और अनेक नाली निर्माण, इन सभी को लेकर करीब हम लोगों ने 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले कामों का हम लोगों ने भूमि पूजन किया है। हम लोग निरंतर मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाले समय में ऐसा कोई गांव नहीं बचेगा जहां हम लोग विकास के काम अधूरे रहे, हम पूर्ण काम करने की जवाबदारी। अच्छा, लोगों की मांगे भी थी कुछ और भी कामों के लिए? यहाँ हम लोग आए तो गांव में सभा मंडप की मांग की है, एक बजरंगबली के मंदिर के पास में 3 सेट की मांग की है, माध्यमिक हाई स्कूल भवन की जो बिल्डिंग की मांग की है, तो आने वाले समय में हाई स्कूल की बिल्डिंग भी स्वीकृत कराएंगे। 10 लाख रुपए का सामुदायिक भवन की घोषणा भी अभी मैंने की है, 10 लाख रुपए का सामुदायिक भवन भी यहाँ बनाकर देंगे। और साथ ही जो हम लोग नाली निर्माण और सड़क के लिए बात की, उसके लिए भी राशि जारी कर। उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट।